जय हिंद साथियों। तो साथियों, आज मैं रिव्यू करूंगा TSF के शूज का। ये मेरे पास बूट है, ये शॉर्ट में भी आता है और ये लॉन्ग में भी आता है। ये TSF का शूज है मेरे पास, तो मैंने ये यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो अब यूज़ करने के बाद इसका मतलब एक्सपीरियंस शेयर करूंगा ये कैसा रहा है। शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है, आप किसी भी तरीके का शूज ले सकते हो। और ये यूपी पुलिस इन पुलिस विभाग के लिए बहुत फेमस जूता है। सबसे ज़्यादा TSF बिकने वाला सबसे ज़्यादा जूता यही। तो दोस्तों, इसकी एक अच्छाई ये है, एक नहीं बल्कि अच्छाई इसमें दो तीन है। अच्छाई ये भी है कि मतलब एक तो ये देखने में भी सही लगता है, ठीक है, वर्दी पर जचता है जूता। दूसरा ये कि पहनने में बहुत कम्फर्ट है, ठीक है, यहाँ से ये चुभता भी नहीं है, ये चीज़ भी बढ़िया है। ठीक है, और भी मतलब कंफर्ट है इसका, जो सोल है ये भी कंफर्ट है। बट इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझको जो लगती है, इससे पहले भी मैंने एक जूता जो लिया था, सेम दुकान पे से लिया था, यही मैंने जूता लिया था और वो भी सेम कंडीशन पे ख़राब हुआ था और ये भी ख़राब हो चुका है। वैसे आप इसको देखेंगे तो कहीं से आपको ये ख़राब नज़र नहीं आएगा। ठीक है, 1 जनवरी 2021 को लिया था। दोस्तों, इसके अंदर कमी ये रहती है कि इसका जो तला है, ये नीचे का आप देखेंगे, इसका जो ये तला है ये नीचे से खाली होने लगता है। और ये पिछली बार भी हुआ था जूते में, एक जूता ख़राब हो जाएगा, एक जूते में कुछ नहीं होगा। अब देखेंगे, इस जूते में कुछ भी नहीं हुआ है, ये जूता ख़राब हो गया। अब ये होता कैसे है? अब ये होता इस तरीके से है कि अगर थोड़ा बहुत भी किसी गाड़ी के साइलेंसर पे हमने अगर ये मतलब जूता रख दिया, या फिर जाड़े के टाइम पे जब हम कभी जाड़े का टाइम होता है, हम ड्यूटी करते हैं उस टाइम पे हम आग के आगे बैठ जाते हैं, तो वहीं कहीं कोयला वगैरह कुछ आ जाता है, तो उससे भी इसका तलवा ख़राब हो जाता है। कुल मिला के ये मतलब ज़्यादा क्षमता इसकी नहीं है तलवे की, किसी ज़्यादा मतलब वैसी चीज़ को झेलने की, इस वजह से ही ख़राब हो जाता है। और मैंने दोनों बार एक्सपीरियंस शेयर किया है, कभी कभी लगता है कि अब ये जूता नहीं लूँगा TSF का। ठीक है, कुछ दिनों बाद ये बुरा लगने लगता है। अब देखेंगे, वैसे तो ठीक है, ये देखने में भी अब ये बुरा लगने लगा। काफ़ी मतलब काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ये तलवा इसका ख़राब होना स्टार्ट हो गया था जल्दी से ही। अब इसकी वजह ये हो सकती है कि ये जो जूता है, हो सकता है ये लोकल हो, क्योंकि मैंने सेम दुकान पे से पिछली बार खरीदा था, इस बार भी खरीदा है। और इसका मैं आपको रेट बताऊं, अगर इस टाइप का आप जूता लेंगे, देख लीजिए, ये आपको मिलेगा 1500 रुपये का, 1500 का नहीं तो ये 1400 रुपये का, आपको 1400-1500 रुपये के आसपास ये जूता मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो सकता है ये लोकल हो, ठीक है, हो सकता है ओरिजिनल हो, अब इसकी मैं नहीं बता सकता। बट ये जो मैंने यूज़ किया है, इसका रिजल्ट बहुत बकवास रहा है। इसको जब जब से मैंने लिया है, बिल्कुल भी इस जूते में मज़ा नहीं आया। ठीक है, तो अब मैंने फ़िलहाल तो कोहली का जूता लिया है, दो चार, क्योंकि ये यूज़ करने लायक अब रहा नहीं है, तो अब उसको यूज़ करूँगा, वो अभी है नहीं, उसका भी मैं रिव्यू करूँगा। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस में हो, ठीक है, या आप पुलिस में हो और आप इस जूते को लेने की कोशिश मतलब सोच रहे हो कि हम TSF का सूट लें, तो दोस्तों एक बार सोच लेना। अगर आप लेते हो तो लेने से पहले सोचना कि ये जूता बेस्ट है या नहीं है, अच्छे से देख लेना। ठीक है, अगर आप लेते भी हो तो लेना कहाँ से, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका शोरूम पे आप जाएँ, ओरिजिनल जूता लें, जो ओरिजिनल होता है, ठीक है, उस जूते को लें ओरिजिनल, ठीक है, कहीं दुकान पे से ना लें। शोरूम इसके आपको मिल जाएंगे बड़े शहर में, मुरादाबाद में भी हैं, आगरा में भी हैं, कानपुर में भी हैं, वहाँ से इसको लें। ठीक है, या फिर किसी से, अपने साथी से मंगा लें जो वहाँ का रहता हो। ठीक है, तो अगर आप TSF का जूता लेते हो तो TSF का जूता आप लेना, ये तो लगभग 1400-1500 रुपये के आसपास का है, इससे एक बड़ा जूता आता है 1500 से ऊपर का, 1700-1800 रुपये का, उसमें यहाँ गोल गोल पहिया होता है बना हुआ और ये खांचे इसके नीचे की साइड होते हैं, वो आपको 1700-1800 रुपये का मिलेगा। तो आप अगर वो जूता लेते हो तो वो वाला लेना, इससे बेस्ट उसका रिजल्ट रहता है, क्योंकि मेरे साथ के जो साथी हैं, जो लड़के हैं, वो यूज़ करते हैं, उसका रिजल्ट अच्छा रहा है। ठीक है, तो उसको लेना, और अच्छी दुकान पर से लेना जहाँ से ओरिजिनल मिल जाए। और इसके अंदर एक चैन वाला भी जूता आता है, चैन वाला मतलब यहाँ इसमें एक चैन होती है, ठीक है, यहाँ पे, तो उसका बेनिफिट भी है, अगर उस चैन उसके अंदर होती है लगी हुई, तो उससे ये फ़ायदा है कि आप गर्मी के टाइम पे, आप कहीं अगर ड्यूटी कर रहे हो गर्मी के टाइम भी, या वैसे भी अगर आप लंबे टाइम के लिए ड्यूटी कर रहे हो, तो आप उसको आसानी से ऑन ड्यूटी ही उसको उतार करके बैठ सकते हो, 5-10 मिनट के लिए अपना पैर को आराम दे सकते हो। ठीक है, तो उसका ये बेनिफिट है, उसको भी मंगा सकते हो। चैन वैसे जल्दी ख़राब नहीं होती है,
सारी चीज़ ठीक रहती है। तो मैं यही कहूँगा, अगर आप TSF का जूता ले रहे हो, ठीक है, लेने की सोच रहे हो, तो ओरिजिनल जूता लें, ठीक है, ओरिजिनल, लोकल जूता ना लें, या फिर किसी और कंपनी का जूता लेके देखें, क्योंकि ये जूता अच्छा चलता नहीं है। ये मेरा रिजल्ट रहा है, 2 बार मैंने ये यूज़ कर लिया। इस बार मैंने कोहली का जूता मंगाया है आगरा से, ठीक है। अब उसका रिजल्ट तो तभी पता चलेगा जब उसको मैं यूज़ कर लूँगा। फिलहाल उस जूते का भी मैं रिव्यू करके डालूंगा, वो अभी मेरे पास है नहीं, 1-2 दिन में घर जाऊंगा तब मैं उसको लेकर के आऊँगा। अभी एक्सपीरियंस जो भी आपका TSF शूज़ को लेकर के एक्सपीरियंस रहा है, या जो भी आपके मन में कोई बात हो, तो आप कमेंट्स करके ज़रूर उसको शेयर करना। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।